नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, एशियन न्यूज इंटरनेशनल के हवाले से खबर आई है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसराइल के रैम्पेज मिसाइल खरीदने का फैसला किया गया है और साथ में इसके प्रोक्योरमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को क्लियरेंस भी दे दिया गया है। दोस्तों, रैम्पेज एक लॉन्ग रेंज प्रिसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है जिसे इसराइल के एल्बिट सिस्टम ने बनाया है। वहीं इस मिसाइल के एक स्केल मॉडल को बेंगलुरु में हुए एयरो इंडिया शो में भी डिस्प्ले किया गया। ये एक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे डिजाइन किया गया है किसी भी कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरफोर्स बेस, कंट्रोल टावर, स्क्वाड्रन बिल्डिंग, एम्युनिशन स्टोरेज, बंकर्स और किसी भी हाई वैल्यू टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। 570 किलो का ये मिसाइल 0.8 से 0.95 मार्क की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। वहीं ये मिसाइल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की मदद से किसी भी टारगेट को आसानी से मार गिनाने में सक्षम है। साथ ही इसमें लगे एंटी जैमिंग सिस्टम इस मिसाइल को और भी ज्यादा घातक बनाते हैं। इस मिसाइल का मैक्सिमम रेंज 100+ किलोमीटर बताया जा रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मिसाइल के रेंज को इसराइल द्वारा जानबूझकर कम बताया जा रहा है। उनके हिसाब से इस मिसाइल का रेंज 200+ किलोमीटर हो सकता है। एल्बिट सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव ने एरो इंडिया शो 2021 के दौरान बताया कि इस मिसाइल को इंडियन फोर्स के किसी भी फाइटर जेट्स जैसे कि सुखोई 30, MKI, तेजस, रफाल और मिराज 2000 में बड़ी ही आसानी से इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इस मिसाइल को फाइटर प्लेन्स या रिमोटली भी ऑपरेट किया जा सकता है। भारत भविष्य में इसे LCA तेजस MK2 और MCA में भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस मिसाइल को कितनी संख्या में खरीदा जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये एक बैटल प्रूफ मिसाइल है जिसने सीरिया में S-300 सिस्टम को भेजते हुए ईरान के हामा बेस को बुरी तरह से तबाह कर दिया था। आप वही बेस की तस्वीर अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मिसाइल बना ही है किसी भी हेवली गार्डेड एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए। इस मिसाइल के इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने के बाद ये हमारे प्रहार को और भी ज़्यादा जोरदार और घातक बना देगा। आपका क्या कहना है इस मिसाइल सिस्टम के बारे में, अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।